यही साथियों, देखते रीनिंग नंबर एलर्जी का प्रश्न दिया है हमें। 13 का जो संबंध 195 के साथ में है, 18 का भी प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होगा। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, उसको जो सॉल्यूशन देखना है। तो कैसे सॉल्व किया गया इस प्रश्न को देखते हैं हम। 13 से 195 पे पहुंचना है, और हम 13 का स्क्वायर कर देते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 169 मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे तो हमें 195 दिया है, तो क्या लॉजिक लगा है, इस 13 में ही 2 का गुणा करना पड़ेगा। हम 13 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 26 मिलेगा। 169 और 26 को जोड़ेंगे तो 195 मिल जाएगा। 195 हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे 18 के साथ में। क्या करना है, 18 का स्क्वायर करेंगे। 18 का स्क्वायर होता है 324 होता है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, इस 18 में 2 से गुणा करेंगे। 18 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। 324 और 36 को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, यानी लास्ट में 0 आएगा। तो टोटल 360 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।